दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कर्राठी जमीनों में धान की काश्त करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो आए शुरू करते हैं। कर्राठी जमीनों में धान की काश्त का जो सबसे बुनियादी जुज्व है या जहाँ धान की जो कामयाबी है वो मुनसर होगी कि आप बीज कौन सा इस्तेमाल करते हैं। हमेशा कर्राठी जमीनों में कुव्वत मुदाफियत रखने वाली धान की इकसाम को तरजीह दें। इससे आपकी जो पैदावार है या धान की कामयाबी है आपकी कलराठी जमीन में वो कई गुना बढ़ जाती है। अब कलराठी जमीनों में जो कुव्वत मुदाफ़त रखने वाली इकसाम है उनमें नयाब इरी नाइन है, आप ये काश्त कर सकते हैं, या KS 282 है, ये काश्त की जा सकती है, KS 133 है, इसके अलावा PK 386 है, ये काश्त की जा सकती है, नयाब 2013 है, ये काश्त की जा सकती है, शाहीन बासमती को कलराठी जमीन में काश्त किया जा सकता है, इसके अलावा अलकायद राइस है, इसको काश्त कर सकते हैं, या फिर निबजी की एक वैरायटी है जिसको निबजी GSR 6 कहते हैं, ये काश्त की जा सकती है। इनमें से कोई एक वैरायटी जो आपके इलाके या में दस्तियाब हो आप उनको कलराठी जमीनों में काश्त कर सकते हैं। अब अगली जो चीज है कि कलराठी जमीन तो है आपके पास, लेकिन पनीरी कलराठी जमीन के लिए हमेशा कलर से पाक जमीन में तैयार करनी है, और जब पनीरी को मुंतकिल करना है जमीन में तो उस वक्त उसकी उम्र 35 से 45 दिन के दरमियान होनी चाहिए। जिस खेत में लाभ मुंतकिल करनी हो इसकी तैयारी गहरा हल चलाकर शुरू करें, लेकिन कद्दू बिल्कुल ना करें ताकि पानी लगाने से नमकियात की धुलाई हो जाए और वो जड़ से नीचे चले जाए। लाभ लगाने से 7 से 10 दिन पहले खेत में पानी खड़ा रखें ताकि कलर वगैरह और नमकियात जो है वो जमीन उनसे पाक हो जाए और वो जड़ से नीचे चले जाएं। जब तक आप धान की पनीरी मुंतकिल करते हैं तब तक जो नमकियात हैं वो जड़ के जोन से या रूट जोन से नीचे चले जाएं। अगली चीज जो है, अगर आपकी जमीन में सफेद कलर की ज्यादती है तो इसके बहस धान की नशोनुमा लाभ की मुंतकली के 10 दिन के अंदर अंदर मुतासर होती है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका हल ये है कि खेत में पानी की तब्दीली करें। इससे ये होगा कि नमकियात जो पानी में हल हैं उससे पानी तब्दील करने से नमकियात की मकदार कम हो जाएगी, और दूसरा अगर उसमें पानी आप पीछे खड़ा कर रहे हैं तो वो नमकियात जो है नीचे जड़ के इलाके से, जड़ के रूट जोन से नीचे चले जाए। दूसरी किस्म हो सकती है कि अगर आपकी जमीन में काले कलर की ज्यादती है तो इसकी वजह से जो जमीन है फसल है वो 20 दिन के अंदर अंदर मुतासर होती है। तो 20 दिन के अंदर अंदर मुतासर होती है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि काले कलर की ज्यादती जो है उसमें हम जमीन का तजिया करवाते हैं, और जमीन की तजिए की बुनियाद पे अगर उसमें गंधक के तेजाब का इस्तेमाल किया जाए तो जो सोडियम होती है उसमें काला कलर होता है वो तेजाब के साथ रिएक्शन करके अमल करके वो जो है वो जमीन को ज्यादा बेहतर कर देता है और उसमें पौधे की नशोनुमा बेहतर हो सकती है। अब जो कलराठी जमीनें हैं उनमें असासी खादों की बजाय तेजाबी खादें इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मिसाल के तौर पे DAP की जगह पे अगर आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं, MAP इस्तेमाल कर लेते हैं, या यूरिया फास्फेट इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर पोटाश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तेजाबी पोटाश जो है SOP वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया की जगह पे अमोनियम सल्फेट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगली चीज जो है, फास्फोरिक एसिड आमतौर पर मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी के मसले हैं और मार्केट में आमतौर पर नहीं मिल रहा होता। फास्फोरिक एसिड कलराठी जमीनों में और सख्त जमीनों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डॉक्टर तारिक साहब का नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इस नंबर पे रब्ता करके मंगवा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी DAP की निस्बत कम होगा और आपकी कलराठी जमीन में रिजल्ट्स भी बेहतरीन। दोस्तों, अपने तजुर्बात, अपना एक्सपीरियंस, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।